नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, जिससे आप वीडियो देख पाएँ। और इस चैनल को आप लोग अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल पर आपको फ्री नोट्स दिए जाते हैं, फ्री PDFs दी जाती हैं, जो कि किसी भी स्टेट्स के जो टेक्स एग्जाम हैं उसके नोट्स एकदम फ्री दिए जाते हैं। तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक देंगे, जहाँ से आप जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वह PDF फ्री प्रदान की जाती है। तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हमारी PDF से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे बायोलॉजी से संबंधित, ये 10वां वीडियो है। चलिए देखते हैं। मनुष्यों में होने वाले कुछ जीवाणु जनित रोग जो कि क्षय, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टेटनेस जिसको धनु रोग कहते हैं, काली खांसी, सिफिलिस आदि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 272 है कुछ प्रमुख रोग एवं उनसे प्रभावित अंग, आइए जानते हैं। मलेरिया है, उससे प्रभावित होने वाला जो अंग है तिल्ली एवं RBC। ठीक है, डिप्थीरिया से प्रभावित होती है श्वास नली। ठीक है, जुकाम से संबंधित होता है श्वसन मार्ग, काली खांसी से श्वसन तंत्र, खसरा से श्वसन मार्ग, क्षय रोग से फेफड़े, इन्फ्लुएंजा से श्वसन मार्ग। अगला देखते हैं, निमोनिया से फेफड़ा, चेचक से त्वचा एवं श्वसन मार्ग, सिफिलिस से शिश्न, पीलिया से इकृत, पायरिया से मसूड़े। अगला है, एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र, टाइफाइड से आंत, रेबीज से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं पेचिस से आंत। तो यह थे कुछ रोग जिससे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह बताया गया था। और भी कुछ रोग हैं, आइए देखते हैं। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, हैजा से आंत, पोलियो से निगल द्वार आंत, रीढ़ रज्जु, हेपेटाइटिस से यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया रोग के कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, विषण कोषों तथा शरीर के अंग भागों में सूजन हो जाती है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दमा एक किस प्रकार का रोग है, तो संक्रामक रोग है। ठीक है, HIV नामक वायरस फैलता है, एड्स होता है वो HIV नामक वायरस से फैलता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू ज्वर मादा मच्छर काटने के से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकनगुनिया दुर्लभ बनाने वाली गैर घातक बीमारी है, यह मच्छर के काटने से फैलता है, मनुष्य ही इसके वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य व्यक्ति को काटता है, जिससे यह बीमारी फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वर्णांतर तथा हीमोफीलिया से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं, इन रोगों की वाहक स्त्रियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटाऊ सिंड्रोम के रोगी का ऊपर का होंठ बीच से फट जाता है तथा तालू में दरार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बीमारियों से बचाव के लिए लगने वाले जो टीके हैं उसके बारे में बताया गया है। बीमारी BCG जैसे कि तपेदिक है, क्षय या TB रोग के बचाव के लिए, OPV पोलियो से बचाव के लिए, DT। ठीक है, अगला देखते हैं। टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए DPT, टिटनेस और डिप्थीरिया के बचाव के लिए TT, टिटनेस से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैंस के दूध में वसा की औसत जो मात्रा होती है 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में 3% से 7% वसा की मात्रा होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो मानव त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी जो घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण किस कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जेरोफ्लास्मिया क्या रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 है जो जेरोफेथालीमिया है जो तथा रतौंधी नामक रोग हैं वो ए की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 287 है पाचन के दौरान स्टार्च को माल्टेज में एमाइलेज नामक एंजाइम बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 288 है रक्त की अशुद्धियों को किडनी यानी कि ब्रक छान कर अलग करती हैं, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है यानी कि 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 290 है हिपेटाइटिस बी वायरस पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीलिया लीवर की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर अगला है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का प्रयोग दस्त और डिहाइड्रेशन नेजलीकरण पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंसुलिन अग्न्याशय में बनता है जो रक्त शर्करा को पचाने में सहायक होता है। इंसुलिन की कमी में मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव भ्रूण का हृदय 4वें सप्ताह से धड़कने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से क्वासरकोर बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशुओं में खुर एवं मुंह का पका बीमारी वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है उत्परिवर्तन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिजन ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यथार्थ के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सभी लोग अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहें, डेली वीडियो देखते रहें, जिससे कि आप लोगों को डेली देखने से क्या होता है कि आपकी प्रतिदिन की रेगुलरिटी जो है वो बनी रहती है और आपका एक फिक्स हो जाता है कि आपको पढ़ना है। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है साथियों। वीडियो देखने से आप लोग वीडियो देखें प्लस PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त करें, जिससे आपका एक बार में ही कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है साथियों। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करें साथियों, सभी लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।